भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे इस समय इसराइल के दौरे पर हैं। तेल अवीव में जनरल नरवणे का भव्य स्वागत किया गया और उनकी इस यात्रा को लेकर इजरायली राजनयिक ने एक तस्वीर ट्वीट की है। इस तस्वीर के बाद इस वक्त इस्लामाबाद में हलचल है, लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में जय हिंद और जय इसराइल के नारे को हिंदी में लिखा है, लेकिन उनके इस ट्वीट से सबसे ज्यादा आहत अगर कोई है तो वो है पाकिस्तान। दरअसल ट्वीट करने वाले राजदूत का नाम है कोबी शुशानी, जो कि मुंबई में इसराइल के महावाणिज्यिक दूत हैं। उन्होंने जनरल नरवणे की इसराइल के दौरे को लेकर एक तस्वीर ट्वीट की है। इस तस्वीर में जनरल नरवणे 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर करने वाली पोर्ट्रेट के सामने बैठे हुए हैं। ये तस्वीर इसलिए भी खास है कि इस साल भारत 1971 युद्ध का स्वर्णिम विजय वर्ष मना रहा है। ऐसे में इस तस्वीर को ट्वीट कर इजरायली राजनयिक ने पाकिस्तान को सीधा संदेश दे दिया है। जनरल नरवणे के ठीक पीछे दीवार पर टंगी तस्वीर में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के कमांडर जनरल AK नियाजी भारतीय सेना के सामने सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। उनके सामने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा बैठे हुए हैं। इसे किसी भी सेना का दुनिया का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण माना गया है। भारत ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के करीब 93,000 सैनिकों को सरेंडर करवाया था। करगिल युद्ध के दौरान इसराइल भारत के लिए संकट मोचक बना था। इस युद्ध के दौरान भारत को उसने ऐसी खामियों के बारे में बताया था जिसका तुरंत समाधान नहीं हो सकता था। भारत के पास उस वक्त दुश्मनों के बंकरों पर सटीक निशाना लगाने वाले न तो बम थे, न ही उनके पोस्ट पर जासूसी करने वाले टोही विमान। ऐसे में भारतीय सेना केवल ग्राउंड इंटेलिजेंस के भरोसे ही पाकिस्तानी सेना से युद्ध लड़ रही थी। इस बीच इजराइल ने भारत को तुरंत हथियार और गोला बारूद के जरिए मदद करने का ऐलान कर दिया था। दोनों देशों के बीच आनन फानन में नए हथियारों की खरीद को लेकर समझौता हुआ। इसके साथ ही इजराइल ने भारत को उस वक्त हेरोन ड्रोन दिया और तुरंत से भारत के सैनिकों को इसके लिए ट्रेनिंग भी दी। करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना पहाड़ियों के ऊपर मजबूत बंकरों में छिपी बैठी थी। इन बंकरों की सुरक्षा दीवार इतनी मजबूत थी कि भारतीय सेना किसी भी तरह से नीचे से इन्हें तोड़ नहीं पा रही थी। दूसरा, भारतीय वायुसेना के पास उस समय कोई ऐसा बम नहीं था जो पाकिस्तानी सेना के इन बंकरों पर एकदम सटीकता से निशाना लगा सके। ऐसे में इजराइल ने भारत को लेजर गाइडेड बम मुहैया कराए। इन बमों को Mirage 2000 लड़ाकू विमानों पर फिट किया गया, जिन्होंने एक बार में कई सारे पाकिस्तानी बंकरों को तबाह कर दिया। जानकारी के लिए एक बात और बता दें आपको कि इजराइल और पाकिस्तान के बीच में कोई कूटनीतिक संबंध नहीं है। कट्टर इस्लामिक विचारधारा पर चलने वाला पाकिस्तान इजराइल को अपना दुश्मन मानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।